हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ऑडियंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी से जानते हैं लगातार आपके लिए जो वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं, और यहाँ पे तो थकावट बहुत हो रही है, लेकिन आपके लिए वीडियो लेक्चर्स हम लेते आएंगे। यहाँ पे जो बात करूं तो होमोग्राफ आपको आ सकता है, जहां पे आपको दो एक वर्ड दे दिया जाएगा और उसका क्या बोला जाएगा आपको सेंटेंस में यूज करने के लिए क्या बोला जाएगा। अब किस तरह से बोला जाएगा, क्या है वो सेंटेंस, चलो देखते हैं। अब होमोग्राफ क्या होता है, सबसे पहली चीज वो हम समझेंगे। क्या होगा पता है क्या, कि उसको प्रोनाउंस भी सेम किया जाता है और उसकी स्पेलिंग भी क्या होती है सेम। एक ऐसा वर्ड जिसकी स्पेलिंग भी सेम हो और प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोग्राफ बोलते हैं। लेकिन एक डिफरेंस रहेगा, क्या पता क्या, मीनिंग दोनों का क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। अब यहां पर जैसे एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, एक फीट और एक फीट, एक फीट मतलब क्या होता है, एक फीट, दो फीट, तीन फीट लंबाई नापने के लिए हम लोग बोलते हैं ना, एक फीट है भाई वो छह फीट का बंदा है यार, छह फीट का हैंडसम तगड़ा बंदा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लेंथ नापने के लिए बोलते हैं, तो एक फीट वो होता है। एक फीट क्या होता है, हमारे लेग का जो बेस होता है ना, बेस लेग नीचे वाला हिस्सा, उसको हम लोग फीट बोलते हैं। तो फिर यहाँ पे लिखा, फिर आपका एक सेकंड और एक सेकंड आता है। एक सेकंड कौन सा होता है, जो आपके फर्स्ट के बाद आता है उसको हम लोग सेकंड बोलते हैं, और थर्ड के पहले आता है। थर्ड के पहले आपको ऐसा मत बोला सर, थर्ड के पहले तो ढाई आता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। थर्ड के पहले क्या आता है, सेकंड आता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट के बाद आता है वो एक सेकंड, वो हो गया। और एक सेकंड आपका टाइम वाला सेकंड होता है, कि कितने सेकंड हो गए, चार सेकंड हो गए, कितने हो गए, पांच सेकंड, छह सेकंड, सात सेकंड। तो होमोग्राफ, तो एक बार बता दूं, जिसकी स्पेलिंग सेम होगी और प्रोनाउंसिएशन सेम होगा लेकिन मीनिंग अलग अलग होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोग्राफ बोलेंगे। दोस्तों तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं हुआ तो चैनल सब्सक्राइब करना, और एक होमोग्राफ का एग्जांपल नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ताकि हमें भी वो चीजें क्या पता चल सके। दोस्तों तो चलिए मिलेंगे हमें नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।